महाबलेश्वर में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है घूमने के, उसमें से कुछ पॉइंट है समर में घूमने के लिए और कुछ पॉइंट है मानसून में घूमने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ समर की छुट्टियाँ मनाने, इसलिए मैं वो सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो महाबलेश्वर में आप समर में घूम सकते हैं। मेरे इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आप अगर आना चाहते हैं महाबलेश्वर बाय एयर तो सबसे नज़दीक स्टेशन है पुणे एयरपोर्ट का, जहाँ से महाबलेश्वर की दूरी है 131 किलोमीटर, जो आप बाय रोड 3 से 3.5 घंटे में तय कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो सबसे नज़दीक स्टेशन है सतारा रेलवे स्टेशन, यहाँ से महाबलेश्वर की दूरी है तकरीबन 55 किलोमीटर, जो आप बाय रोड 1 घंटे में तय कर सकते। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सतारा रेलवे स्टेशन पर, और मैं यहाँ से महाबलेश्वर ऊपर जाऊँगा खूबसूरत पहाड़ियों को देखते हुए बाय रोड बस से। महाबलेश्वर के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बाबा भोलेनाथ जी महाबलेश्वर के दर्शन करके। यह एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है जहां पर शूटिंग करना अलाउडेड नहीं है। वहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वेना लेक, जहां पर आप हॉर्स राइडिंग तो कर सकते हैं, साथों साथ वेना लेक में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से 1 घंटे के लिए मैक्सिमम 6 लोगों के लिए 500 रुपये, और अगर आपके साथ 2 लोग हैं तो 250 रुपये देकर आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो आप पंचगनी महाबलेश्वर में बने एवेस वर्ल्ड थीम पार्क की विजिट अवश्य करें, क्योंकि यहां पर आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के अलग अलग कैरेक्टरों के साथ अपनी पिक्चर्स निकाल सकते हैं। और पास ही में बना जंगल सफारी, जहां पर आप जंगल घूमने का लुत्फ भी उठा सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको नज़र आ रही होगी, आप वहां जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी होती है स्ट्रॉबेरी, मलबेरी और सेतुर। हाँ, ये तो अभी आपको सेतुर में वहाँ से बताएंगा, सेतुर स्ट्रॉबेरी कहाँ पर होती है। हाँ, अभी थोड़ा फिल्मों के बारे में जाएंगे मैम। गदर फिल्म देखा आपने? गदर पिक्चर में जब पाकिस्तान निकलता सनी देओल, जब वो गा रहे हम जुदा हो गए, देखो बिना पासपोर्ट लाहौर घुमा रहा मैं आपको। ये देखो यहाँ का शॉट है। वेलकम फिल्म देखा आपने? वेलकम पिक्चर में जाओ लास्ट में लकड़ी पे घर खड़ा रहा है, मधुमक्खी घुस जाती। ये देखो मैम यहाँ का शॉट है। अच्छा हाँ, और नीचे पे देखो आपको डैम दिखेगा, दिख रहा है? बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा आपने? उसमें रणवीर सिंह लास्ट में मर जाता पानी में। ये देखो ये पानी में बाजीराव मस्तानी फिल्म देखो, यानी कि अपना बाजीराव मस्तानी देखो। चेन्नई एक्सप्रेस गुम्मन गाँव वही बताए था, और पूरे सह्याद्री माउंटेन है मैम। शिवाजी महाराज का पूरा बचपन है पहाड़ों में गया। पाकिस्तानी फिल्म देखा आपने? वो गाना है पूछो जरा पूछो, ये देखो पालन पे। महाबलेश्वर का बाजार इतना बड़ा तो नहीं है, पर शाम के टाइम आप महाबलेश्वर की बाजार में घूम सकते हैं और अपने जरूरियात के हिसाब से परचेस भी कर सकते हैं। पंचगनी में एकंदर 3 पॉइंट है टूरिस्ट प्लेस, पारसी पॉइंट, टेबल लैंड एंड सिडने पॉइंट, उसमें से अभी आप पारसी पॉइंट पे। दादा आप ये टेलीस्कोप से क्या दिखाते हो? से इस टेलीस्कोप से हम लोग वो 5 जगह दिखाते हैं जहाँ पर आप नहीं जा रहे हो, उसमें राजा हिंदुस्तानी वाला पालन खेत, तारे जमीन पे वाली स्कूल, पीके वाला टेम्पल है, ग्लाइडिंग पॉइंट है और सिडने पॉइंट। चार्ज क्या लेते हो? 1 पर्सन के लिए 50 रुपीज चार्ज करते हैं।
अगला पॉइंट है मैप्रो गार्डन। वैसे तो आपको यहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, पर इनका स्पेशलिस्ट और सबका फेवरेट क्रीम विथ स्ट्रॉबेरी, आप अगर यहाँ पर आते हैं तो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम को जरूर से टेस्ट करें। यहाँ से आप मैप्रो के सारे प्रोडक्ट जैसे कि चॉकलेट, जेली और भी बहुत कुछ परचेस कर सकते हैं, और परचेस करने के साथों साथ आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एलिफेंट पॉइंट। हम अभी खड़े हैं महाबलेश्वर के एलिफेंट पॉइंट पे। आप गौर से देखोगे तो पीछे आपको एक हाथी जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। एलिफेंट पॉइंट के बिल्कुल बगल में है ये कैट्स पॉइंट। मेरे नज़रिए से महाबलेश्वर की सबसे खूबसूरत जगह है ये विल्सन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आप पूरे महाबलेश्वर को देख सकते हैं, साथों साथ शाम के टाइम सनसेट और सुबह के टाइम पर सनराइज को भी देखने का मजा ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।